YouTube के आई एन सी अकाडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है आज से आपकी करंट अफेयर्स की ढाई हज़ार प्लस क्वेश्चन की ये सीरीज स्टार्ट हो रही है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम चाहे वो आपका फिफ्टी सेवन्थ बी पी सी पिलिम्स एग्ज़ाम हो या सी डी पी ओ का एग्ज़ाम हो या अभी हाल ही में बिहार एफ आई जो होने वाला है उसका एग्ज़ाम हो या जो आपका आर ओ आर ओ यू पी पी सी एफ का आर ओ आर ओ का जो मेम्स होगा वो वाला एग्ज़ाम हो या आपका यू पी पी सिम्स दो हज़ार का एग्ज़ाम हो साथ ही जितने आपके आने वाले एग्जाम हैं चाहे फीजल का एग्ज़ाम हो जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है फ्रिज इसके अंदर आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स के इंपॉटेंट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बहुत सारे कर्ंट अफेयर्स के वीडियो भी आपके आ चुके हैं डेली कर्ंट अफेयर का वीडियो भी आ चुका है अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला जो है कर्ंट अफेयर का टेस्ट वन पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं मर, मरफर सी एफ ए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स अभी जो है रिलीज की गई है ठीक है जिसमें तिरालीस देशों को जो है लिया गया है उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो चालीस है साथ ही सूचकांक में जो आपका पहले नंबर पर है यानी जिसकी पेंशन प्रणाली सबसे अच्छी है वो आपका आइसलैंड है और जो सबसे लास्ट में है फोर्टी थर्ड पर वो आपका थाईलैंड तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि सबसे अच्छी पेंशन प्रणाली किसकी है तो आइसलैंड होगा भारत की क्या पोजिशन है चालीस है और लास्ट में किसकी पोजिशन है वो थाईलैंड की फोर्टी ठीक है निकाला किसने मरफर सी एस सी ने चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नए नियमों के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन को अधिसूचित कर दिया गया राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के एक शीर्ष बोर्ड का प्रस्ताव पहली बार दो में किस समिति की रिपोर्ट में रखा गया तो सीधाफा प्रश्न है कि जो आपका राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का जो गठन होने जा रहा है ठीक है पहली बार जो है दो यार में इसकी बात हुई थी इसका प्रस्ताव आया था तो कौन सी समिति थी जिसने ये इसकी पेशकश रखी थी तो उनका नाम है सुंदर तो सुंदर समिति सुंदर समिति ने इस तरह फिट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि सुंदर समिति ने फर्क को और सुंदर करने के लिए सुरक्षित करने के लिए जो है ये समिति बनाई थी ठीक है चलिए तो इस तरह आपको याद हो गया सुंदर समिति के रिकमेंडेशन पर यह हुआ है अगला है बीजेपी डांगा के नेतृत्व में गठित उच्च अधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का संबंध किस विषय से है तो बीजेपी डांगा जो है इस समिति के अध्यक्ष हैं और इसका संबंध जो है वो निपटान आदेश और अपराधों का समन से संबंधित है ठीक है ये भी समिति जो है आपकी इम्पोर्टेंट है अगला प्रश्न देखते हैं वस्तु और सेवा कर जी व्यवस्था के तहत कई कर दरों में सुधार हेतु केंद्र सरकार ने सितंबर दो में जी दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रियों के फमोह का गठन किया है तो बफोराज यस बम्बई के जो है अध्यक्षता में इन्होंने इस समिट का गठन किया है जो जनरली जो है जीएफटी की जो व्यवस्था है उसमें सुधार में के लिए जो है काम करेगी अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वे इसका भी अट्ठाईसवां जो है स्थापना दिवस मनाया गया तो पूछ रहा है कि जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मनाया था तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आजकल इस तरह के बैकग्राउंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल मनाया जा रहा है तो उसका पहला पूछ रहा है कि पूछ ले रहा है कि पहला अध्यक्ष कौन था या कब बनाया गया था तो उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे अगला प्रश्न है लोकप्रिय भारतीय कॉमिक्स चरित्र चाचा चौधरी को हा, हाल में भारत के किस प्रमुख कार्यक्रम का शुभांकर घोषित किया गया तो नमामि गंगे कार्यक्रम का जो शुभांकर घोषित किया गया है वो चाचा चौधरी एक कॉमिक फाती थी उसको अगला प्रश्न देखेंगे हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मन् मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्रीन रिबन इनिशिएटिव की शुरुआत करी ठीक है यह पहल किस से हम देता तो ग्रीन रिबन इनिशिएटिव की शुरुआत किसने करी मनसुख मांडविया ने जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं तो ये जनरली क्या है मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित है अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण यानी एस 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 ए आई ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक दो हजार बीस इक्कीस में छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर तो छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा जो है खाद्य सुरक्षा में पहले स्थान पर है अगला प्रश्न देखेंगे शिक्षा मंत्रालय ने सितंबर दो हजार इक्कीस में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक बारह सदस्यीय बारह सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन का गठन किया तो के कफूरी रंगन की अध्यक्षता में ऐसा गठन किया गया कि आप जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार करें अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय जैविक स्टेट्स प्रबंधन संस्थान यानी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक्स स्ट्रेस मैनेजमेंट का नवनिर्मित परिसर राफ्ट को समर्पित किया ये जो राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है तो ये रायपुर में है ठीक है इसका नया परिसर भी गुँग, जो है उसका गठन हुआ है आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक दो में भारत इकहत्तरवें स्थान पर है इस सूचकांक में भारत किस खाद्य मानक में पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे वैसे भारत इकहत्तर नवंबर पर एक जो सामर्थ्य का मानक है उसमें ये पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों से पीछे है अगला प्रश्न है एडमिरल माइकल गिल्डे अक्टूबर दो में भारत की पाँच दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे वह किस देश के नौसैनिक ऑपरेशन प्रमुख हैं तो अमेरिका के जो है नौसैनिक के जो है ऑपरेशन के प्रमुख हैं इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछ सकता है वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है फोर्टी सिक्स नंबर पर है ये भी डायरेक्ट पूछ लेगा तो यही याद रखिए और पूछा है कि ये सूचकांक कौन जारी करता तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसको जारी करता अगला प्रश्न है ऑकुस जो है जनरली चर्चा में है तो ये जो संगठन है ऑकुस इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है यहाँ से यूके है यहाँ से यूएस एस आप याद कर सकते हैं ठीक है तो ये तीनों इसमें है श्रीलंका इसमें नहीं है ठीक है कोई पूछा है कि आकुस में कौन नहीं है अगला प्रश्न है हाल ही में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी एन आई एफ द्वारा मफटाइटिस के इलाज के लिए एक पॉली हर्बल और लागत प्रभावी दवा जिसका नाम है मस्तिरक मस्तिरक जेल विकसित की गई है तो ये कह रहा है कि मस्तृस क्या है एक तरीके से दुधारू पशुओं की एक संक्रामक बीमारी है ये बीमारी है दैट इज मस्तृक तो ये जनली जो है दुधारू पशुओं में होती है अगला प्रश्न देखते हैं संपूर्ण ग्रह में जल निकाय धीरे धीरे मृत क्षेत्रों या डिडजोन्स में बदल रहे हैं मृत क्षेत्रों के निर्माण में कौन प्रमुख कारण है तो यूट्रिफिकेशन की वजह से ये डिडजोन जो है आपके बनते हैं अगला प्रश्न है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिक विभाग का एक स्वायत्त संस्थान जैव संसाधन और स्वतंत्र विकास संस्थान कहाँ स्थित है तो ये इम्फाल में स्थित है ठीक है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंदर आता है ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का एक जो है स्वायत्त संस्थान है ये अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में राफ्ट की खाद सुरक्षा और पोफड़ में प्रभावी योगदान देने के लिए भारतीय चावल और काबुली चने यानी जिसे चिकपी कहते हैं कि आनुवांशिक किस्में जारी की इन आनुवांशिक किस्मों को किसके द्वारा विकसित किया गया तो राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान ने ये जो आनुवांशिक किस्में हैं चावल की और काबुली चने की इसको जो है इसने बनाया अगला है अगला प्रश्न है फाइटर यानी नींबू वर्गीय फल और इसके मूल वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा ने अक्टूबर दो में केंद्रीय नीबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान यानी आई सी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है नागपुर में स्थित है आपका ये तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया बट इसमें सवाल ये पूछेगा कि एपीडा ने किसके साथ समझौता किया है ठीक है तो एपीडा ने आई सी ए आर सी सी आर आई के साथ समझौता किया है अगला प्रश्न है आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर दो में भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजन प्लान जारी किया यह विजन प्लान किस अवधि के लिए होगा तो 2021 से 2031 तक इंपॉर्टेंट है भारतीय चिड़ियाघरों में विजन प्लान जो जारी किया गया है ठीक है दस साल के लिए इक्कीस से इकतीस तक अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा बहुभाषी मनोभ्रंश अनुसंधान और मूल्यांकन यानी मल्टीलिंग डिमनिटिया रिसर्च एंड असेसमेंट यानी मुद्रा टूल बॉक्स लॉन्च किया गया तो आई सी एम आर आई सी एम आर ने जो है ये लॉन्च किया अगला है अगला प्रश्न है साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित प्रारंभिक अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने उरुनेमा अफ्रीकानम बोर्ज की पहचान की है जो प्लास्टिक फीड के बायोडिग्रेडेशन एजेंट के रूप में कार्य करती है उरुनेमा अफ्रीकानम बोर्ज किस की प्रजाति है तो ये फैवल की प्रजाति है जो बायोडिग्रेडेशन एजेंट के रूप में कार्य करेगी इंपॉर्टेंट है ये अगला है द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज दो हज़ार इक्कीस वाटर द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वाटर रिपोर्ट्स के अनुसार दो हज़ार पचास तक वैश्विक स्तर पर पाँच अरब से अधिक लोगों को पानी की कमी का सामना कर आ, करना पड़ सकता यह तो आ, है यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की पूछेगा ये रिपोर्ट किसकी है दो हज़ार पचास तक जो है लगभग पाँच अरब से अधिक लोगों को पानी की की कमी का सामना करना पड़ेगा तो इसलिए जो है पानी को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है आगे प्रश्न देखते हैं प्रवासी प्रजातियों पर अवसम यानी कन्वेंशन ऑन माइगरेटरी सी एम एफ संयुक्त राष्ट्र की एक प्रवणीय संधि है जो स्थलीय जलीय और उड़ने वाले प्रवासी प्रजातियों तथा तो उनके आवासों के संरक्षण तथा तो स्थायी उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करती है इस अवसमों को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो ये जो प्रवासी प्रजातियों का समय यानी फीएमस है कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी सीज है इसे बॉर्न कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अगला प्रश्न है गोवा विश्वविद्यालय परिसर के भीतर खोजी गई एक नई प्रजाति दैट इज डेक्टाइल्स गोएंसिस वैज्ञानिक नाम दिया गया है तो यह प्रजाति जो है ये गेको की प्रजाति है ठीक है अगला प्रश्न है पेटा इंडिया ने जेम्स संगमा को अनानास के वेगन लेदर को बढ़ावा देने के लिए आपका प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट अवार्ड विजेता नामित किया गया है तो जिम हंगमा किस राज्य के, के प्रवण और वन मंत्री हैं तो मेघालय के हैं ठीक है अनानास को बढ़ावा देने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है स्थानीय रूप से कैटली नाम से प्रसिद्ध कॉपर महसीर को तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य मछली घोषित किया है तो ये भी इम्पोर्टेंट है तो सिक्किम ने जो है कैटली को जो है आपका जो है राज्य मछली घोषित किया इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में एपड़ भोटिया धन रिंगाल शिल्प और आपका थुलमा को जी टैग प्रदान किया गया ये सब स्थानीय उत्पादों का संबंध की रात है तो ये सारे स्थानीय उत्पाद हैं ये सब उत्तराखंड के हैं अगला प्रश्न है पूछा था कि जो है स्कूल स्तर पर जो युवा उद्यमी हैं उनको विकास के उद्देश्य से बिजनेस ब्लास्टर एक योजना चलाई गई वो किसकी है वो दिल्ली सरकार की योजना है बिजनेस ब्लास्टर ये भी पूछ चुका है आपका लोअर पीछे मेन्स में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहीं रिपीट हो भी हो सकता है हाल ही में बंडुला वर्णपुरा का निधन हो चुका था वो किस टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं तो बंडुला वर्णपुरा जो है वो श्रीलंका के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे इंपॉर्टेंट है फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने हाल ही में किस टूर्नामेंट के आधिकारिक फुभागर दट इज इभा का अनावरण किया तो फीफा अंडर सेवनटीन महिला विश्व कप दो में जो होने वाला है उसका फुभाकर क्या है इभा है अगला प्रश्न है अंशु मलिक विश्व कुश्ती चैंपियन सिप दो हज़ार इक्कीस में राजद पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं अंशु मलिक किसे हराकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी तो ये है आपकी दैट फोमो फोलोमिया विंक अगला प्रश्न है हाल ही में एमी हंटर एक दूसरी वनडे क्रिकेट में फतक बनाने वाली सबसे कम सॉरी सबसे युवा बल्लेबाज बन गई हैं सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं वो किस देश की महिला क्रिकेटर हैं तो आयरलैंड की हैं एमी हंटर इन्होंने हंट किया और सबसे कम एज में जो इन्होंने शतक बनाया 2020 टोक्यो पैर ओलम्पिक खेलों में भारत ने उन्नीस पदकों के साथ पदक तालिका में चौबीसवें स्थान पर था ये फैक्टर यही इंपॉर्टेंट हो गया कि जो है वो उन्नीसवें स्थान पर है और टोटल जो है सॉरी उन्नीस पदक के साथ चौबीसवें स्थान पर है ठीक है तो समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था तो अवनि आपकी लेखरा रहा पहली महिला हैं जिन्होंने दो पदक जीते चौबीस अक्टूबर को हर वार संयुक्त तो राष्ट्र दिवस मनाया जाता है संयुक्त तो राष्ट्र नाम संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका के किस तो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया यह नाम जनरली यू के प्रेसिडेंट थे उन्हीं के नाम पर आया था उन, उन्होंने ये नाम जो है दिया था उनका नाम था आपका फ्रैंकलिन डी रूजबेल्ट ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके फैसन पर दिया गया था नवोदित निर्देशक पीएफ एफ बिनोथ राज की तमिल फिल्म दैट इज आपका कुजंगल यानी कंकड़ को ऑफकर दो के में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया गया दो हज़ार इक्कीस में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म फिर्फ का ऑस्कर प्रोफर किस किसने जीता तो आपका जो है दो हज़ार इक्कीस का जो जीत जीता है वो है आपका अदर राउंड ठीक है और आप हम देखते हैं कि फैन अभ्यास को कभी कभी दुनिया भर की सेनाओं के बीच फैन पेट्रोलिंग के ओलंपिक यानी ओलंपिक्स ऑफ द मिलिट्री पेट्रोलिंग के रूप में जाना जाता है तो आपका है कैम्बरियन फ़ैन गफ्ती अभ्यास को जो है इस नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न है चार अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस में जोनास गहर इस्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने तो जोनास जो गहर स्टोर जो है वो नार्वे के बने हैं नार्वे में जनली आपको कई सारे झीलें देखने को मिल जाती हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे जनली इस तरफ से बना के याद कर सकते हैं वो स्टोर करेंगे वाटर को जोनाफ़ गहर गहरे में स्टोर करेंगे तो नॉर्वे के बने हैं हाल ही में भारत की कृषि अपशिष्ट अपशिष्ट पुनचक्रण परियोजना यानी टकाचार को अर्थफॉर्ट पुरस्कार दो हज़ार कई का विजेता घोषित किया गया अर्थफॉर्ट पुरस्कार को किस पुरस्कार की संज्ञा दी जाती है तो इसे इको ऑस्कर भी कहा जाता है जो है अर्थफॉर्ट जो पुरस्कार है उसे इको ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है जो टकाचार को दिया गया अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में गोपीनाथ बोरडोलोई के सम्मान के लिए सम्मान में दिए जाने वाले द्विवार्षिक द्विवार्षिक होता है ये दो वर्ष में जाता है राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गो गोपीनाथ बोरडोलोई पुरस्कार दो तेईस प्रदान किया गोपीनाथ बोरडोली के उस राज्य के पहले मुख्यमंत्री तो ये असम के जो है पहले मुख्यमंत्री थे ठीक है इसको याद रखिएगा चर्चा में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की शानदार भूमिका के लिए उन्हें हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मान किया गया तो उन्हें बाइसवां याद रखिएगा गई ये डेटा बाइफुआ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया अगला प्रश्न है ब्रिटेन में रहने वाले तंज... तंजानियाई लेखक अब्दुल रज्जाक गुरना को दो के साहित्य के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया उन्नीस एक में पहली बार साहित्य का नोबेल किसे दिया गया था तो फुली पुरुधोमी को जो है पहली बार जो है आपका फाइद का नोबेल दिया गया था अगला प्रश्न आपका फिलिपींस की मारिया रेफा फिलिपींस की मारिया रेफा और रूस की दिमित्री मुराटो को अभिव्यक्त की आज़ादी की सुरक्षा के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दो दिया गया सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है तो मलाला विश्वजय को सबसे कम उम्र में मिला था शांति के लिए अगला है हाल ही में अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया उन्हें किस देश के प्रमाण कार्यक्रम के जनक के रूप में जाए तो अब्दुल कादिर जो पाकिस्तान के परमाण कार्यक्रम जनक के रूप में जाने जाते हैं ठीक है अगला प्रश्न है सात अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है कपास चार कपाफ चार केफो कपास चार जो है देश की पहल पर विश्व व्यापार संगठन ने इस दिवस की शुरुआत की थी कपास चार देश में निम्न से कौन सा देश शामिल नहीं है तो कपास शहर में बेनिन आता है चाट आता है बुर्गना फाफो आता है मालदीव जो है कपास शहर में नहीं आता तो बेनिन चाड और बुरगिन फाफो का नाम याद याद रखेंगे ठीक है अगला प्रश्न है फिरदौसी कादरी को वर्ष दो के रमन मगस््य से पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो किस देश के वैज्ञानिक जो है वैक्सीन वैज्ञानिक हैं तो वैक्सीन वैज्ञानिक है बांग्लादेश के फिरदौस कादरी जिन्हें रमन मगस्य से अवार्ड मिला है अगला प्रश्न आपका है लास्ट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एन ने किस बैंक के साथ भागीदारी में संपर्क रहित भुगतान समाधान रूप ऑन द गो लॉन्च किया तो ये यस बैंक का है तो याद रखिएगा रुपे ऑन द ये किस बैंक का है एफ बैंक का है ठीक है कैफ लेफ़्ट ट्रांजेक्शन के सॉ सॉरी कॉन्टैक्ट लेफ्ट ट्रांजेक्शन की ठीक है तो इसी तरीके से आपका ये जो है टेस्ट वन आपका जो है कंप्लीट होता है अगर आपको वीडियो सही लगा हो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके ऑलरेडी आ, आ चुके हैं इस साल एग्जाम में और बहुत सारे हैं जिनके आने की संभावना भी है तो जनरली ये जो टेस्ट था इसमें मेनली आपके अक्टूबर के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं इसी तरीके से अभी अक्टूबर का इंक्लूड किया है इसके बाद फिर आपका सितंबर फिर अगस्त इसी तरीके से जनवरी से लेकर पूरा जो है लास्ट अक्टूबर से बात की इधर के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो अक्टूबर से लेके इधर जमीत तो जाएंगे बाकी फिर इसमें नवंबर दिसंबर का भी इंक्लूड करेंगे तो पूरा साल का जो है अब जो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो जाएगा ठीक है तो अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें ज्यादा लाइक करें शेयर करें ताकि मोटिवेशन को बना रहे और पूरी जो फीज है ढाई ढाई प्लस क्वेश्चन की इसे कंप्लीट कराया जा सके इसमें कोई भी मैगजी आपकी छूटी गई नहीं जितनी मैगजी मार्केट में है सबका जो क्वेश्चन इस फीज के अंदर कराया जाएगा तो प्रसान होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा चीज़ें आपको कंटेंट में खर्च करने की जरूरत नहीं है सारी इसमें क्वेश्चन करा दिए जाएंगे इसी तरीके से बेफिक जो टफ फ्रीज चल रही है उसमें भी सारे क्वेश्चन आपके जितने भी टफ फ्रीज है सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हो जाएंगे तो इसमें आपको कोई भी ये भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी सारा का सारा आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा अगर आपने आलू ले लिया तो उसमें प्रैक्टिस करिए साथ में यहाँ पे क्या करिए रिवाइज करिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद